नमस्कार, मैं इमामुद्दीन मालिया इमामुद्दीन ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आइए, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जो दादरा ताल का है। आप सोच रहे हैं फिर से कोई केरवा ताल का वीडियो है, नहीं, आज मैं दादरा ताल का वीडियो लेके आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बाकी एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये मैं क्या बजा रहा हूँ इसमें और मैं आपको चांटी की साइड में क्या बजाना चाहिए और आपको बाएं के साइड में जो बेस के साइड में क्या बजाना चाहिए वो मैं आपको सब समझाऊंगा। बाकी मैं आपको आराम से समझाऊंगा, बाकी ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप करके आगे निकाल दें, वो काम नहीं करें। आप आराम से फ्रेश मूड से आप अपना वीडियो देखें। और रियाज करने वाले बंदे हैं, कोई भी ढोलक सीखना चाहते हैं ना, तो वो भी वीडियो को सामने रख के फिर उसको देखे, उनके सामने बैठ के फिर बजाइए। वो ताल मतलब जो एक और ध्यान में रखें, जो ईयरफोन है वो लगा के फिर सुने, उसके साथ में रियाज करें ताकि वो अपना हाथ भी जम जाएगा और पैटर्न भी बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। वो कैसे बजाना है मैं आपको समझाता हूँ और वीडियो को पूरा देखे ये आप ध्यान में रखिएगा। और किसी को ढोलक तबला हारमोनियम सीखना है वो हमारे यहाँ आइएगा और ढोलक तबला ज़रूर सीखिएगा। तो देखो, मैं आपके सामने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो ये होती है ना, ये ढोलक की चांटी, ये ढोलक की चांटी है। इसमें आपको जो बोल कैसे बजाने, दादरा ताल के बोल कैसे बजाने होते हैं बिल्कुल आसानी से आप सीखिए। देखिए, है ना, ये जो रिंग वाली पुड़ी है तो इस पर क्या करते हैं कि ये जो छल्ला पैटर्न है थोड़ा सा कम बजाया जाता है, थोड़ा सा कठिन है। बाकी आप जब रियाज करेंगे ना तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। यानी कि जो कुंडल वाली पुड़ी होती है ना, तो वहाँ हम लोग क्या करें, रिंग का ये ना छल्ला हम यूज़ करते ना रिंग, तो फिर वो मतलब थोड़ी आसानी रहती है। बाकी ऐसे नहीं है कि ये जो ये है ना किनार, ये किनार पे ये जो है ना ये पेच, पेच पे आप यहाँ टच करेंगे तो आवाज़ भी तो एक तो मीठी आती है, अच्छी आवाज़ आती है और साउंड अच्छा आता है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये किनार, ये जो चांटी हम यहाँ ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, यहाँ किनार पे यूज़ करते हैं तो ये साउंड इतना अच्छा आता है। हम ऐसे यूज़ करेंगे ये तो बंद बोल आते हैं, बंद बजते हैं, ठीक है ना, बंद बजाना अच्छा नहीं रहता है। और फिर अगर हम ऐसे करके फिर वो भी गलत, ये गलत है, ये नहीं बजाना आपको। और मैंने कई जगह काफ़ी लोगों को देखा है तो वो क्या करते हैं ऐसे, मतलब ऐसे हाथ को फैला फैला करके बजाते हैं। बाकी आपको ऐसे नहीं बजाना, आपको बिल्कुल ऐसे बजाना है आराम से, बिल्कुल हाथ को ढीला रखे और कलाई बिल्कुल है जो आपको घुमाना है। और बिल्कुल देखो कैसे बजाना, पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने केरवा बजा के सुनाया था, केरवा में वो जो छल्ला पैटर्न है वो भी मेरा आया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया और बोला कि सर आप बहुत अच्छा बनाए वीडियो, ऐसा वीडियो और भी डाले। तो ये है दादरा ताल का वीडियो, अब ये भी और आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है ना, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, छल्ले से ही आपको स्टार्ट करना पहले, है ना। छल्ले से आपको स्टार्ट करना, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब तीन मात्रा इस साइड में हो गई और तीन मात्रा हम करते हैं इस साइड में, तीन ता, एक दो तीन, एक दो तीन, तो तीन चांटी साइड में बज गई और तीन मात्रा भी इसमें बजती है, ठीक है ना। हालांकि ढाई मात्रा भी बजती है इसमें, क्योंकि वो जो बीच में दिन दिन ये हम ऐसे करते हैं ना हाथ को, तो थोड़ा हाथ फैलाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो ढाई तीन
तीन का लगभग ढाई मात्रा ही बजती है, पूरी बजती नहीं। तो तीन मात्रा चांटी साइड में और तीन मात्रा इस साइड में बजती है, तो वो छह मात्रा हो गई। अब मैं आपको पूरी मात्रा बजा के सुनाऊंगा वो कैसे। ये है छह मात्रा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ा स्लाइड करके बजाते हैं, तो फिर ये स्लाइड करने वाला हो गया। दिन ना दिन दिन ता। और एक और इसमें जैसे आप बहुत अच्छा बजाने लग जाएंगे, आपका रियाज अच्छा हो जाएगा, तो फिर आपको मतलब इसमें थोड़ा भी और मतलब क्वालिटी लाने की, निखार लाने की, वो जो आप हाथों में आपके लचक आएगी वो कैसे बनेगी। अब देखिए मैं दोनों को मर्ज करके आपको बताता हूँ दोनों ये ताल कैसे बनती है। अभी मैंने पहले आपको चांटी वाला बिल्कुल आराम से बताया कि चांटी आपको ऐसे प्ले करना है। दिन ता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ठीक है ना। तीन पे तो वो आपको ऐसे प्ले करना है, और इस साइड में भी 1 2 3 1 2 3 है ना। ऐसे आपको ये प्ले करना है बेस साइड में। अब दोनों को मैं दोनों को साथ में इकट्ठा करके बजा के बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 दादरा ताल सीखने वाले और भी ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं, वो भी दादरा ताल ही अभी सीख रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे ये छल्ला पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ढोलक वाले को करीबन करीबन ये छल्ला पहनना चाहिए। कारण क्या है कि जैसे कोई भी केरवा ताल भी बजाते हम, जैसे इसमें फ़र्क क्या पड़ता है मैं बताऊँ कि जैसे कोई मान लो कोई साथ में कोई मंजीरा बजाने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो एक या ऑक्टोपेड बजाने वाला नहीं है, साथ में कोई जैसे झणकार बजाने वाला कोई बंदा है ही नहीं, तो भी इससे सारा मिल जाता है और बहुत अच्छी अच्छा साउंड आता है। मान लो कि कोई माइक लगा दिया और थोड़ी ट्रेबल उसमें दे दी, तो फिर देखो है ना, तो ये बात है। फिर इसमें अब गाना कोई सा भी ले लीजिए, मैं थोड़ा बहुत गुनगुना के सुना देता हूँ। ये दादरा ताल के जो भी फिलर वेरिएशन जो भी बजते हैं, मैं आपको आगे और भी आपको मैं खुल के बताऊंगा, खुल के सिखाऊंगा। देखो ऐसे बहुत सारे लेसन है मेरे पास में, जो मैं कोशिश करूंगा आपको सभी को सिखाने की। तो फिर आपको तो अभी अच्छा धीरे धीरे रियाज करें, इससे आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा और वो लेसन है, और मतलब जो लय है, जो एक टेम्पो स्पीड, वो एकदम आपकी क्लियर हो जाएगी। कोई भी आपको बंदा बोलेगा नहीं कि भाई आप लय बढ़ा के चल रहे हो, नहीं, आप देखो इसमें तोड़े मुखड़े, यानी कि जो इनके जो मुखड़े होते हैं, ताता किट्टे ताता किट्टे ताता किट्टे ता, ये भी मैं आपको आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे,
तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और आपको और भी वीडियो ऐसे आपको चाहिए कि मेरे को ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलने चाहिए, तो मेरे रेड कलर वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटी वाला बटन है उसको भी याद रखें, ऑल वाला दबाइए ताकि वो मैं यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोडिंग करता हूँ वो आपको मिल जाएगी। आज के बाद मैं आपको कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब करें चाहे कुछ भी करें, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, ऐसा मेरे को और देखने को वीडियो मिलना चाहिए, तो फिर आप सोच लीजिए कि भाई हाँ ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी आपके मन में आए वो कर सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती, नमस्कार।